अभी ना इधर आ जाओ, मतलब ग्राहक को आने दो। नहीं मंदिर बहुत बढ़िया है, देख रहा अभी दर्शक दिखा माने दो उन लोगों को। हाँ हाँ, अरे अब चांदी तांबा का सिक्का नहीं रहता है, तांबा का जमाना बंद हो गया। तांबा का सिक्का डाला लो, तांबा दिया जाता था पहले। गर्म कुंड से ज्यादा तो ये मंदिर का जो है ऊपरी हिस्सा जो है इस दोपहर में एकदम बीच दोपहर में देखने के लिए विवश कर दिया। अच्छा, कई सारे शहर में इस तरह के शिखर मिलते हैं, हर मंदिर के शिखर अलग अलग होते हैं। और पंच मंदिर के पास भी पांच है, लेकिन ये जो अभी इसका रंग उंग बना हुआ है और बेल बूटा, अगर आप देख सकते हैं तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि बिल्कुल कोना शंकुआकार तो नहीं है, लेकिन जो है पूरे में उसके जो है हिस्से में बेल बूटा और चक्र बना हुआ है। ऊपर में जो शिखर पे त्रिशूल, ये जगह जो है बलबल है। श्वेता जी आप तो जान ही रहे हैं, क्योंकि आपके लिए तो कुछ नया नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आप बहुत पहले आए होंगे तो शायद अंतर पड़ गया हो। कार्तिक पूर्णिमा के समय कई जगह मेला लगता है, और जो मेला बच जाता है वो 14 जनवरी को लगता है। तो 14 जनवरी को जो मेला लगता है उसमें एक चीज़ देखा जाता है कि जहाँ पर भी गर्म पानी का कुंड है, एक स्वाभाविक है चूँकि जनवरी में उसमें पूस का महीना होता है या माघ का, जनरली 14 जनवरी के आसपास पूस ही मकर संक्रांति होता है, तो हर जगह जहाँ जहाँ गर्म पानी का कुंड होता है वहाँ मेला ज़रूर लगता है। तो यहाँ पर जो बलबल द्वारी है यहाँ पर 14 जनवरी को मेला लगता है। कई बार पिछले बार एक बार इधर से गुजर रहे थे तो भैया को बोले कि रुकिए, तो उनके पास हड़बड़ी था कि रुक नहीं पाए, और मेरे लिए भी अच्छा था कि हम इस तरह से नहीं देख पाते जैसे आज देखेंगे या फिर जैसे पूरा लाइव करेंगे। इसलिए आज हम स्पेशली जो है तमाशीन और इसके लिए ध्यान में सोच के आए थे, यहाँ पर आए। तो हजारीबाग से चतरा जाते समय रास्ते में जो है ये जगह पड़ता है बलबल द्वारी या बलबल, ये गर्म पानी का कुंड है। ये वाला जो आपको लग रहा है ये सब मंदिर के जैसा, ये समझिए लग रहा है मच्छर को ढकने के, इसके नीचे से गर्म पानी आ रहा है। और इसमें भी सिक्का तो डला गया, कहाँ डाले सिक्का, यहाँ से सिक्का तो उसी में फंस गया ना, नहीं अंदर चल गया, अंदर चला गया, तो इसमें भी गर्म पानी करता है। और इस साइड जो है दोनों जगह नहाने का बना हुआ है, और धीरे धीरे जो है इस एरिया में 14 जनवरी के दिन जो पशु मेला, खासकर इस क्षेत्र में यहाँ का पशु मेला जो है बहुत प्रसिद्ध है। अब जा करके की हो, अरे यार समुनिया लगा के जौन उकर नहन बड़कम है, ओकर बड़कम नहा इसमें, हाँ इसमें आ रहा है, आ क्या रहा है, उसमें पनिया नहीं निकलता है, ना निकलता है। अरे तो फिर नहा के ऐसी इंतजार कर रहे हो या साबुन लगा के, अरे बुढ़बा कहाँ घर आओ, कहाँ रे घर आओ, ए ए सर साबुन ऊपर उठाओ, सर उठाओ, लग रहा है सर कैसे हाँ जिंदा चला दे लियो, तो नहीं सब संसार देखा बार लियो। बोल गाँव के बारे में की हो कहानी कर, कुछ बोलो, अरे बोल रहे दुनिया देख रहा है यार, बोलो ना कि हाँ पहली बार नहाने आए कि नहा के आज फंस गए, इस अपराध ही है, आज ये अपराध करके फंस गया है। पागल बोलता है मोटर चलाओ, सोचो गर्म पानी में मोटर चलेगा। चल क्या नाम है आपका, चल रह लो रह लो, इसी गांव का घर है तुम्हारा, पथलगड्ढा घर है, पथलगड्ढा भी बढ़िया जगह है, बलबल द्वारी। अच्छा यहाँ पर स्त्री औरत लोग का नहाने का अलग कुंड है, आगे है कने तो कई जगह से पानी निकलता है यहाँ पे, तेज तो भेला है पागल। चल चल चल, अच्छा इन लोग मोटर वाला बतिया दिखाते हाँ, एक चीज़ और जो आप लोग खास दिखाना चाह रहे हैं, मेरे लिए भी खास, ये जो मोटर है ना ये गर्म पानी खींच रहा है यहाँ से। जनरली लोगों को लगता होगा कि ठंडा पानी ले जाता है मोटर, ये जो है गर्म कुंड का पानी, अभी पानी चल रहा था यहाँ पे, इसमें जो है गर्म पानी ले जाता है। हाँ देखिए ये पानी जो गिर रहा ये गर्म है, ये देखिए
चलो। और बाकी जो आप जानते हैं सब हर जगह की भांति इस जगह भी सल्फर का होना चाहिए, तो सल्फर का जो गंध है वो आ रहा है पानी में भी। नहीं नहीं खुंड बाबू अरे एक चीज बताओ, यहाँ पर जान रहे हो पनिया आता है इसका मतलब उससे उभर जाता है ना? हाँ पनी खुद ब खुद आता है। चप्पल अच्छा पनिया अपने बाहर नहीं आता उससे आता है उधर जब मोटर बंद होगा फिर अपने आप बाहर निकलता है। इसके अलावा एक कुंड कहाँ पर है? एक कुंड उधर भी है। अच्छा चलो और इसका जो मंदिर के कारण जो है एक अस्थाई प्रभाव ये है कि जो है बागेश्वरी मंदिर एक उत्तराखंड में जिला है बागेश्वर। आओ तो इसके कारण जो है एक अस्थाई है कि छोटा मोटा दुकान जो है कुछ समय के लिए ये लग गया है और 14 जनवरी को मेला लग रहा है इसके लिए भी जो है कुछ तरह का एक परमानेंट कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो अभी आपको दिखाएंगे वो ये लगता है यज्ञ कुंड कभी यज्ञ होता होगा। जय माँ बागेश्वर धाम। एक नदी है यहाँ पे आगे उसको बलवन जगह का नाम इसलिए बलवन नदी भी नाम है और इस नदी के बारे में कहा जाता है किनारे में ठंडा पानी है और बीच में गर्म पानी है तो ये अपने आप में एक आश्चर्य है। तो अभी हम इसका भी जो है वेरिफिकेशन सत्यापन करेंगे। अच्छा है कि इसके पहले की एक जगह है सतलज में तत्ता पानी इस नाम का कई सारा जगह मध्य प्रदेश में जो है रत्ता पानी नाम का एक जो है रत्ता पानी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ का अच्छा रुको मोबाइल वो इधर रखते हैं छोड़ो रहने दो अच्छा नहीं देखना चाहिए। कई सारी जगह हैं जैसे कि दुमका एक कुंड था वहाँ पर ऐसे ही ओपन में सब लोग नहा रहे थे। अब चूंकि इसको स्पेशली नाम कर दिया गया है स्त्री कुंड तो कहाँ घर हो ऐसी पूछो यो यह घर हो दुवारी हाँ। अब बलबल कौन गांव है बलबल दुवारी दुवारी भी यही नाम है बलबल अलग गांव है दुवारी अलग गांव है बलबल यहाँ को बलबल दुवारी कहबा हाँ दुवारी वो नहीं है अच्छा अच्छा हाँ। वो दुवारी चलो तो दुमका में भी जो ईश्वर संयोग से हम ना हम अलियल देखे वास्ते घूरे वास्ते तो वहाँ पर जो था ओपन में ही सब स्नान कर रहे थे। दूसरा चीज़ जो था कई बार हम लोग को लगता है कि चलो उस साइड नदी बहुत बढ़िया है कि जो चीज़ हम लोग जो हैं जानते हैं या कुछ स्थानीय स्तर पर दर्ज है उसको शायद अभी बड़े स्तर पर नाम लें। आरसी तिवारी का एक किताब आता है इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल इंग्लिश नहीं नहीं इसमें नहीं उधर चलो उधर पानी सही है अच्छा पनिया चेक करना है ना गर्म है कि नहीं बीच में तो उसमें भी हम जो देख रहे थे दुमका का कुंड के बारे में संयोग से हम उस पर गए थे संथाल परगना में तो एक आदमी स्थानीय आदमी थे जो हमको कई छोटे मोटे गर्म कुंड ले गए। एक कुंड तो रियली बहुत ज़्यादा गर्म था शायद हमको लग रहा था ए छोटो अरे इसका पानी बीच में गर्म रहता है नदी का पानी बीच में गर्म है कहाँ पर गर्म है उधर इधर छोड़ो तो गर्म पानी मछली बचता है ये ठंडा है चले जितेंद्र ये जो है उस रोड में अभी पुल का निर्माण हो रहा है इसके लिए जो है वो पूरा जिसे कई बहुत दिनों से हम भी देख रहे हैं यहाँ पर जो पुल का है और ये चट्टानी नदी जैसा लगता है यहाँ पर लग रहा कि ये है ये पुल के कारण है कि यहाँ पे कोड़ाई के कारण निकला है हाँ जहाँ है वहीं जाएंगे समझा हम जूतवा खोल देंगे डूबेंगे और जहाँ पर हैं जितेंद्र पेंटवा भींगी हो जाएगा ने हमको परवाह नहीं है बस हम डूब नहीं पाए।
ये सब पानी जो लग रहा है जैसे कोई सरफ से नहा के पानी फेंक रहा है इधर, जबकि वो उधर से ही आ रहा है जहाँ पर लोग गांव के, हमको लग रहा है कि गांव की औरतें जो है गर्म पानी में कपड़ा वपड़ा धोती होगी सरफ उरफ से, इसके कारण एकदम साफ दिख रहा पानी कि जो है वो आ रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों है, नदी का दोनों तट, एक आदमी बोला कि दोनों किनारा जो ठंडा है और बीच में गर्म है, और गर्म पानी में मछली, ऐसे देखा गया है कि जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, दुनिया के जो इतना भी मत्स्य बैंक है, फिश बैंक है, वहाँ पर जो है जो सबसे बढ़िया संभावना मछली का वो प्लैंकटन का, कि जहाँ पर कि ठंडी या गर्म जलधाराएँ मिलती है वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा है, क्योंकि वो जिनको वो खाती है वहाँ पर ज़्यादा पैदा होते पनपते हैं, उनको खाने के लिए आती है। उस लिहाज से अगर तर्क लगा दे कि नदी में ठंडा गर्म दोनों का संगम है, तो निचली मछली का भी उस तरह से अगर जीव होगा जो जिन सूक्ष्म जीवों को मछलियाँ खाती है, और इस तरह की जो नदियाँ हैं, क्योंकि ये सागर नहीं है और ये शमशान भी है बगल में, हम देख रहे हैं कपड़ा भी है, ये सब बचवा जानेगा। चलो नदी में डूबेंगे और क्या है, हम तौली रख दिए डिक्की में, तौली रख दिए थे डिक्की में, तो हमको नदी में नहाने का मन था, और लेके आएंगे फिर नहाएंगे जितेंद्र, देखो इतना बड़ा पानी इसमें उसमें मिल रहा है। ए छोटू, ए रुक रुक रुक, लोग भाग गया, इन लोग डर गया। अरे रुको रुको रुको, डरो मत। ए छोटू, इसमें गर्म पानी है कहीं, गर्म कहाँ पर, इधर ना है कहीं रास्ते में, इधर कहीं गर्म पानी ना है कहाँ पे, नहीं नहीं इधर इसमें उधर पानी कम था। सुनो अभी जो है इस नदी के बीच में गर्म पानी है, हाँ। अभी दिखे कहीं है इसमें, वहाँ पर अंकल आगे है, इधर नहीं है, इसमें इधर नहीं है, वहीं निकलता बस, दिखाओ तो, चलो तो अभी इसमें बीच में कहीं सिर्फ वहीं पे है बस, वहीं। इसका मतलब जानते हो वहाँ पर भी कुंड बन सकता था, लेकिन नदी के बीच में कुंड आ गया। और जो है अक्सर जो है हम लोग बलबल द्वारी उस साइड है, उधर से हम इधर आए हैं, चलो बता छोटू। तो अच्छा इसमें मछली जिंदा रहता है, गर्मी में लोग नहाता है, अच्छा जब कुंड में भीड़ रहता है तो नदी एक साथ जो है नदी स्नान और गर्म जल, और ऐसा कई जगह आश्चर्य संयोग है, बद्रीनाथ में अगर आप जाइएगा अलकनंदा के पास, कहाँ आ रहे हैं, रुक जाओ, कहाँ आते हैं, कहाँ कितना पानी होगा अभी, अभी कितना पानी होगा, तुम घुसो ना, ये जितेंद्र पकड़ो, अरे वहाँ हम डूब जाएंगे क्या, थोड़ी दूर जाके देखो ना, तुम पानी ऐसे नहीं जा रहा है, देखा थोड़ा देखा ना, हम उसको लाइव कर दे रहे तुमको, तैरने में जानते हो कि ना, ऐसा ना है कि फिर मेरे चक्कर में पता चला कि हाँ हम नहीं बचा पाएंगे, हम जाएंगे, हाय गरम, अच्छा लो पकड़ो जितेंद्र, हम भी आते हैं, बोलते हैं रुको इधर लाओ। तो सतलज में जो हम कह रहे थे, सतलज नदी के पास मंडी जिला में जहाँ पर वो शिमला और सतलज का बॉर्डर है, वहाँ पर एक तत्ता पानी बोलते हुए जगह का नाम, तो वहाँ पर भी अगर सतलज के तट, सतलज के किनारे जो है एकदम गर्म पानी है और नदी का पानी जो ठंडा है, मैंने सतलज नदी उधर से आ रही है, मैंने राकेश ताल से भारत में प्रवेश करते हुए थोड़ा मंडी के पास देखिएगा, तो हम तो वहाँ गए हैं, और रेणुका जो है परशुराम की माँ का जगदामिनी मुनि का आश्रम भी है, आ रहे हैं थोड़ा करवा गाड़ी इधर देखो, अभी
आ रहा गरम गर्म है सुनते पूरा गर्म है क्या भाव भी आ रहा है बोले सब आदमी सब है अरे चलो ना चलो ये जो है पानी गर्म है बालू गर्म है तो हाथ लगा चलो हाथ लगी अरे वाह है ने हाँ महिलाओं देखो ने है ने चलो चलो ठीक है और सुनो यहाँ भी यार आगे भी है उधर भी नहीं इधर बस फिर इतना ही बात कहाँ पे वहाँ धोलो हाथ धोलो चलो नीचे देखो पानी सुबह मार रहा सो देख रहा हाँ देख रहे सही में गर्म पानी आ रहा चलो छोड़ो ठीक है छोड़ो चलो बस यहीं वहाँ और यहाँ यही तो जगह है तूने बोला था आगे निकलता है यही पर अच्छा धोलो पैरों धोलो यहाँ पानी से तो इसको लाइव बंद कर दो नहीं अभी तो बोलना बाकी है आओ उधर चलो नदी तरफ तो यहाँ पर अभी जो है नदी के तल में हम देख रहे थे कि ऊपर का जल जो है गर्म ठंडा है और नीचे का जो है गर्म है तो एक तरह से इसमें ये आप महसूस कर सकते कि ये भूगर्भिक रूप से हमको ऐसा लग रहा कि ये होगा मतलब अंदर का हिस्सा गर्म होगा या जो भी लोग बोलते हैं व्याख्या करते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कारण जो है गर्म जलकुंड ये होता है अब बाद में इधर से नदी जो है या धारा बदली होगी या नदी इस पर बह रही होगी तो अंदर का हिस्सा जो है वो उसी तरह से चल रहा है ये बड़ा अच्छा लग रहा अब बेरिंग सी के पास देखिएगा वहाँ पर जो है चुपकी सागर और उसी तरह से लगता है जो मछली जो है सालमन मछली पकड़ता है इसी तरह का देखिएगा कि जो पोलर बियर या जो है उस एरिया ब्राउन बियर ब्लैक बियर तो नहीं रहेगा ब्राउन बियर जो इस तरह का पानी में डूबेगा और जो मछली जाती रहती है सालमन मछली खूब खाता है बसरते लोग बहुत सारे लोग जो है स्टार होटलों में सितारा होटलों में सालमन खाने के शौकीन हैं लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह से पानी बह रहा है नी डीप वाटर कहिए आप बड़ा और एक लग रहा है जैसे कि सीमा रेखा टाइप का इस जो जल संधि और स्थल संधि हम लोग पढ़ते हैं कि दो नदी को विभाजित करती है स्थल के टुकड़े को एक लग रहा है उधर का है और ये जलधारा दोनों के बीच में विभाजक रेखा बनी हुई है उस तरह से जो है यहाँ पर लग रहा तो कई बार जो है तो इस साइड जो है नदी का एक अलग रूप देखने को मिल रहा है यहाँ पर जाकर के नदी जो है आओ यहाँ पर जो है नदी जो है कई धारा में बट गई है तो छोटा छोटा पानी जिसका रूप में है लेकिन यहाँ पर आगे जाकर के लग रहा है जैसे कि एक बड़ा रूप में है तो बल कुंड पास कोई विशेष नहीं है तीन कुंड वहाँ दिख रहा था तीन कुंड एक कहीं दो हिस्सा बना दिया गया और गर्म पानी से सीमेंट का सनाई सीमेंट जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको दिया ये बड़ा आश्चर्य है हम लोग को लगता है कि गर्म पानी से मोटर ख़राब हो जाएगा
यहाँ पर भी उसी तरह का दृश्य है। और ये अच्छा ये है कि इधर से वो जंगल की तरफ से आ रही है, और जंगल की तरफ से जो भी नदियाँ आती है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा साफ होती है, चट्टानी होती है। और ऐसे नदी जो हैं परंपरागत रूप से जो घाट वाले नदियाँ देखते हैं, मैदानी क्षेत्र की नदियाँ, उससे बिल्कुल अलग होती है। और नदियों में नहाने से ज़्यादा देखने में आनंद आता है, और नहाने में तो चूँकि पानी साफ है तो यहाँ नहाने में भी मन में कोई वैसा नहीं होगा, और डूबने का भी चांस कम है क्योंकि यहाँ पर चट्टानी क्षेत्र है और ज़्यादा गहराई नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आदमी को डूबने के लिए कोई 500 मीटर गहरा होना चाहिए, मुश्किल से जिसको तैरने नहीं आता है वो 2 मीटर में उसका खेल खत्म हो सकता है। लेकिन इस साइड थोड़ा गहरा हो, लेकिन आगे जहाँ पर दिख रहा था वहाँ पर बिल्कुल जो है कम पानी है। या इस सब पानी में क्या है, एक फ्लो है, तो गंदगी का बात पहले भी हम बक्सा टाइगर रिजर्व में इससे भी कम पानी था। कई जगह था ऐसा कि हमको डिप्स मारना पड़ता था, जैसे लोग एक हाथ से हम नाक दबाते थे और एक हाथ से हम पानी में हाथ रखे हुए थे और उसमें नहाते थे। उसमें था कि आपको आराम से डूब सकते हैं, मतलब कि हम बैठ के भी अगर नहाते तो नहीं था, तो अच्छा लग रहा था। उस तरह की नदी में नहाने का एक अलग अनुभव है कि पानी बिल्कुल साफ और नीचे का चट्टान दिख रहा हो, और ज़्यादा जोर लगाइएगा आप इधर उधर भागिए तो आप पानी का बहाव है इतना तो वो आपको गिरा देगा, कम से कम गिराने लायक सक्षम था। तो अक्सर बलबल द्वारी हम लोग आते हैं, चूँकि हम फर्स्ट टाइम ही आए हैं इस रूप में, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई लोग नदी की तरफ पता होगा, या जो जानकारी नहीं, जो आया गर्म कुंड में नहाया, दर्शन किया, चल दिया। ये जो है हम उससे ज़्यादा अच्छा लगा कि हम उस नदी को देख रहे हैं। और आगे अगर जाएँ तो जैसे जैसे आप और अंदर जाते हैं इस तरह के क्षेत्र में, तो वहाँ पर होता क्या है कि आपको नदी का और अलग सुंदर रूप देखने को मिलता है, जो एकदम बिल्कुल प्रकृति के अंदर, जहाँ पर जंगल हो, पानी का धार बहुत कम चौड़ा हो, तो नदी देखने का एक अलग आनंद है। तो यही होता है कि अभी हम हिमाचल प्रदेश का जिक्र किए, क्यों इसलिए किए, अक्सर एक शब्द है, लोग इस बात से थोड़ा विरोध करते हैं या खफा हो जाते हैं कि लोग भारत का स्कॉटलैंड, भारत का ऑक्सफोर्ड, भारत का नियाग्रा, भारत का, तो अगर आप उसको कोई नाम नहीं दीजिएगा, कोई दो आदमी तुलना करते समय जो पहले देख के आएगा उसी को तुलना करेगा उसी का। चूँकि ये कहना कल ही बाबरी मस्जिद का फैसला आया, देखिए हम गौर कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के मन में, बहुत सारे तो नहीं कहते, कुछ लोगों के मन में ऐसा विचार होता है कि भारत में जो प्राचीन शास्त्र या धर्म ग्रंथ लिखे गए उसमें गोबर है, कूड़ा है, जातीय शोषण के बारे में बात की गई, बहुत सारी बातें लोग, बहुत लोग, हम लोग भी बहुत कम ही लोग शायद, हमको नहीं लगता है कि हमारे जान पहचान कोई लोग होगा जो चारों वेद पढ़ा होगा, उपनिषद पढ़ा होगा, पुराण पढ़ा होगा, उसके बाद ये फैसला करता करे कि इसमें कुछ ज्ञान की बातें नहीं है, कुछ ऐसी बातें नहीं है जिससे कि लाभ उठाया जाए। अभी देखिए वैदिक गणित बहुत चर्चा में है, अलीगढ़ के किसी प्रोफेसर ने लिखा था वैदिक भूगोल, ये कल हम एक पक्षी का शेयर किए थे, मानस, भागवत मानस में पक्षियों का, तो कहने का मतलब है कि जो जिस रूप से इनको पढ़ रहा उस रूप में लाभ ले रहा है। और एक है, कुछ लोगों का मत है कि इसमें जो है शोषण और प्रतिकार के बारे में लिखा गया है, नफरत के बारे में लिखा गया है, जातीय विद्वेष के बात किया गया है, तो उस आधार पर लोग इसको कोड़ा या बेकार की बात है। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट का हम देख रहे थे, स्कंद पुराण से लेकर के बहुत सारी जगहों को जिक्र किया गया था अयोध्या के संबंध में, जन्मभूमि कहाँ था एग्जैक्ट, अब एग्जैक्ट लोग बताने की कि इतना दूर, लेकिन अयोध्या सब जगह में था कि यहाँ पर था गोस्वामी तुलसीदास का अवधि में जो लिखा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र में, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर प्राचीन काल में लेखन हुआ तो एक बार पढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो हम, मेरे ही मन बहुत इच्छा है कि एक बार हम रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, जो भी है हर राष्ट्र का जो है अपना ये सबको पढ़ें, इसलिए पढ़ें नहीं कि हमको कोई इसमें हिंदू धर्म या मुस्लिम या धार्मिक दृष्टिकोण, इसलिए देखना चाहते हैं कि प्राचीन समय में किन चीज़ों का जिक्र किस तरह को तत्कालीन समाज के संबंध में, नदी, पशु, पहाड़, पक्षी, जीवन के बारे में, धर्म के बारे में, नीति के बारे में, राजा के कार्य के बारे में, बहुत सारी बातें ऐसी हैं। तो अब आप अगर बहुत चीज़ पढ़ना चाहते हैं, बहुत जगह घूमना चाहते हैं, बहुत चीज़ खाना चाहते हैं, तो ये भी होना चाहिए कि जो चीज़ उपलब्ध है प्राचीन समय में उनको भी एक बार पढ़ना चाहिए। इसलिए तो कल जब हम देख रहे थे क्योंकि अदालत में इन सब चीज़ों का जिक्र हो रहा था, तो लगा कि जब अदालत, देश का सर्वोच्च अदालत जो है इन चीज़ों को एक ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में यूज कर रहा था, प्रयोग कर रहा था, और आज भी जब प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत पढ़ते हैं तो इन चीज़ों का जिक्र होता है। तो इसलिए कि ताकि हम जो है फिर से उस क्षेत्र का जो है इसके बारे में या जान सके उसके बारे में क्या है, क्या लेखन किया गया है, क्या उनका मत था।
अन्यथा होता ये है कि जो अभी हम बोल रहे थे तत्ता पानी के एग्जांपल इसलिए दिए क्योंकि जबकि हजारीबाग में था, हम चाहते तो तत्ता पानी के बारे में बोलते हजारीबाग का बलबल द्वारी, तो हम हजारीबाग का लेट से देखे, तत्ता पानी को पहले देखे, तो एक स्वाभाविक रूप से जो है जो लोग लेखन किए होंगे, ठीक है प्राचीन काल में भारत में लेखन पर्याप्त हुआ, बीच में थम गया और बाद में और कम गया, तो पिछला 300-400 साल में लोग लिखे हैं या तो वेद उपनिषद महाभारत जो है पुराण ये सब बचे रह गए और बाकी सारे चीज़ जो है या तो पांडुलिपि बचा या किसी खास संग्रहालय में बचा रह गया और बाकी जो ब्रिटिश लोगों का जो 17वीं-18वीं शताब्दी से जो है उनके अख्यान पे जो है अब सब जो है इन जगहों का हम लोग जो तलाशते हैं उसके बारे में लिखते हैं। फिर अभी बौद्ध साहित्य से लोग दक्षिण बिहार और खासकर झारखंड के बहुत सारे हिस्सों को बौद्ध साहित्य से जो है मिला करके बात किया जा रहा है कि कहाँ पर कौन सा जगह, तो इसलिए जो है कि आप पहले कहाँ देखे हैं उससे मिलता जुलता जगह दोबारा कहाँ देख रहे हैं, तो आप उसी का नाम दे दीजिएगा जहाँ पर आप पहले देखें। तो हम ये कहना कि चूँकि दोनों जगह भारत में है तत्ता पानी और बलबल द्वारी, तो लोगों को ये नहीं लगा कि इसको हम कहें कि हजारीबाग का तत्ता पानी है, तो शायद कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन हम ये नहीं तत्ता पानी रहेगा, बलबल द्वारी जो है बलबल द्वारी रहेगा, तो ये स्वाभाविक हो जाता है कि तुलना में आदमी वही नाम रख देता है, अन्यथा जो है सबका जुतवा जानते हो वहीं आए। चलो और यहाँ पर बहुत सारे लोग घरों में कैक्टस लगाते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं किनारे किनारे कैक्टस फेंके हुए, गुजरात में भी एक जगह देखते होंगे, गुजरात में हम बहुत सारे लोग खेत के किनारे किनारे जो बाड़ी लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं, हेज लगाते हैं, उसमें जो कटीले पौधे लगा देते हैं। उधर जाओ कैसे, इधर से आए थे, आगे से ना आए थे, आगे सुनो ना, रुको रुको चलो ना आगे पैर धो कहीं पर पहन लें आगे, एक बार खाली नदियाँ पार कर जाते हैं। तो गुजरात में भी हम देख रहे थे कि ट्रेन से जा रहे थे तो लोग कैक्टस का जो है वो पौधा वो उस साइड पूरा जंगली रूप में कैक्टस लगा हुआ है, तो कैक्टस का जो है हेज मतलब बाड़ा लगा दिए थे। ये भी एक अस्थाई तरीका है कि अगर आप कैक्टस को खेत के मेड़ पर लगा देते हैं तो जो है किसी भी पशु के द्वारा जो है अतिक्रमण या फसल का जो है चरने का संभावना जो है घट जाता हो, और ये एक अस्थाई को जो है कोई आपको केयर नहीं करना पड़ता है, ना हटाना पड़ता है। कई सारे जगह जो है जंगल से लोग हम झारखंड में देखते थे पहले कि लोग एक स्पेशल कटीला पौधा लाते हैं उसको बाड़ा के रूप में लगाते थे जब वो अरहर का खेती करते थे, फिर जो है जब अरहर कट गया तो उसको काट के हटाए, तो उससे क्या होता है कि हर साल आपको वो पौधा काटना पड़ता है, और एक बार अगर आप कैक्टस खेत के किनारे किनारे लगा देते हैं तो समझ लीजिए हमेशा के लिए एक फेंस का काम करता है। तो ये जो हो गया सस्टेनेबल फेंसिंग हो गया, और वो होता था टेम्प्रोरी कि आप अभी लगाइए और फिर कुछ महीने के बाद जो है काट के हटाइए। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं जंगली, और इसी तरह के बहुत सारे लोग अपने घर में नज़र सब उतारने काला जादू या जिस तरह का जो भी है मन में स्थानीय स्तर पर इससे नज़र उजर ना लगे लोग अपने घर के गमला में, जबकि जो वास्तुशास्त्र वाले लोग का मानना है कि घर में गुलाब न लगाइए, कटीला पौधा न लगाइए, इससे घर में कलह दोष बनता है, लेकिन हम ये सब नहीं मानते। मेरा कहना है गुलाब गुलाब है, हर पौधा का अपना, कैक्टस का भी अपना जो शौकीन है। अभी चंडीगढ़ में पास पंचकूला में सकुलेंट एंड कैक्टस गार्डन का एक बहुत बड़ा जो है इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर एक से तबला के आकार का कैक्टस दिखता है, बहुत सारा कैक्टस तो दिल्ली में फ्लावर एग्जीबिशन में हम देखे 2-2, 3-3 हज़ार, बोला कि थाईलैंड से उसका जो है तना जो है पीला रंग का, उसके ऊपर जो नेक्स्ट है वो रेड कलर का, तो दो अलग अलग रंग का कैक्टस है, उसका अधिक पैसा है। तो इसलिए जिन्हें इन चीज़ों में यकीन है कि कैक्टस लगाने से घर में कला और ये होता है, उसके बजाय है जो लोग 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार का कैक्टस कर देंगे, चलो वो तो है कि फेंकेंगे नहीं, वो तो और डिस्प्ले में रखेंगे कि हमने इस तरह का कैक्टस खरीदा है, इस तरह का सकलेंट खरीदा। और अभी भी मेरे घर में भी ऊपर में हम देख रहे हैं इस बार पापा चौड़ा पत्ता वाला लेके आए हैं, पापा को शायद ध्यान नहीं है कि उसका बृहत रूप नहीं देखें, हमने एक जगह देखा है मेरे घर में करीब 7-8 साल पहले था, उसमें पापा को गार्डनिंग में उतना रुचि नहीं था, बहुत बड़ा हो गया था बहुत, और मतलब कि एक जो उसका है कैक्टस का चौड़ा जो लीफ जो था, चूँकि यहाँ ब्रॉड है, चूँकि हम लोग अक्सर मान के चलते हैं, अरे है पकल ए छोटू पकल उकल हाओ तो फिर ढेकवा मारूँ ऐसी अचका खे बता चल जी। तो इमली का पेड़ है तो उस पेड़ में तो बहुत बड़ा होता है अभी, तो ये नेचुरली इससे बहुत सारे जगह आप लोग भी देखे होंगे
ये कैक्टस जो है बहुत सारे राजस्थान में तो मान लिया जाए नॉर्मल है। ये मंदिर देखिए, जो लोग लेट से आए हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग लेट से लाइव में आए हैं, तो उन लोगों के लिए ये मंदिर को देखना बहुत जरूरी है। ये मंदिर जो है ये बड़ा सुंदर है। इस तरह का ऊपर में जो आसमानी रंग के कारण जो शीर्ष दिखता अलग लगता है। ये नीचे गर्म पानी का कुंड है, पानी आ रहा है इस वक्त। नहा ले क्या? ये जो है शीशा से जो ढका हुआ, शीशा नहीं इसको कहिए, मच्छरदानी कौन सी है, लोहा का, इससे देखो। ठीक है दोस्तों, ये जो था बलबल दुआरी है चतरा, हजारीबाग जिला में, चतरा जिला में है। गर्म पानी में 14 जनवरी के यहाँ मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, बाय।